सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करेंगे Redmi Note 8 और Vivo U20 स्मार्टफोन का। दोस्तों, दोनों स्मार्टफोन इंडिया की मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं और दोनों मोबाइल फोन पर हमें बेहतरीन स्पेसिफिकेशन मिलती है। बट दोस्तों, आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हम Redmi Note 8 स्मार्टफोन को खरीदे या Vivo U20 स्मार्टफोन को खरीदे। तो ऐसे में दोस्तों, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है। अगर दोस्तों आप भी सबको जानने के लिए इंटरेस्टिंग हो तो बिना स्किप के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल फोन की डिस्प्ले से। अगर Vivo U20 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें 6.53 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जहां मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। वहीं Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात की जाए तो मोबाइल फोन पर हमें 6.39 इंच की फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच भी देखने को मिलती है। यानी कि दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन पर हमें फुल एचडी प्लस का रेजोल्यूशन और वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। बट दोस्तों, कंपेयर टू Redmi Note 8 स्मार्टफोन, हमें Vivo U20 स्मार्टफोन पर थोड़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बाकी दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में दोनों स्मार्टफोन बराबर के हैं। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऐसे में दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन पर हमें क्वालकॉम का चिपसेट मिलेगा। अगर हम Vivo U20 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 675 का पावरफुल SoC मिलता है, जहां दोस्तों हमें अलग अलग रैम वेरियंट्स मिलेंगे, जैसे 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज। वहीं दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें एक माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। अगर गाइज हम Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात करें तो मोबाइल फोन पर हमें Qualcomm Snapdragon 665 का SoC मिलता है और दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी हमें अलग अलग रैम वेरिएंट्स में मिलेंगे, जैसे 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज और 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। और Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर भी हमें माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है। यानी कि दोनों मोबाइल फोन पर हमें माइक्रो SD कार्ड का डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा। बट दोस्तों, परफॉर्मेंस के मामले में Vivo U20 स्मार्टफोन एक बेस्ट स्मार्टफोन होगा, क्योंकि मोबाइल फोन पर हमें स्नैपड्रैगन 675 का पावरफुल SoC मिलता है। दोस्तों, ये SoC हम बहुत से स्मार्टफोन पर भी देख चुके हैं, जो बेहतरीन SoC है। अगर दोस्तों हम कैमरास की बात करें तो दोस्तों, ऐसे में Vivo U20 स्मार्टफोन पर हमें रियर साइड पर ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिलता है। जो मेन कैमरा है दोस्तों, वो 16 MP का है, सेकेंडरी कैमरा है 8 MP का और थर्ड सेंसर है 2 MP का। यानी कि दोस्तों, जो सेकेंडरी कैमरा होगा अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर होगा और थर्ड सेंसर 2 MP का एक डेप्थ सेंसर होगा। और सेल्फी के लिए दोस्तों, Vivo U20 स्मार्टफोन पर हमें 16 MP का कैमरा दिया गया, जो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर है। तो अब बात करते हैं मोबाइल फोन के Redmi Note 8 की। यानी कि Redmi Note 8 के रियर पैनल पर हमें क्वाड कैमरे का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा होगा 48 MP का होगा, जहां हमें सैमसंग के सेंसर का यूज मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 8 MP का, जो वाइड एंगल सेंसर है। थर्ड सेंसर 2 MP का, जो डेप्थ सेंसर है। और फोर्थ सेंसर भी 2 MP का, जो मैक्रो सेंसर है। और सेल्फी के लिए दोस्तों, मोबाइल फोन पर हमें 13 MP का कैमरा दिया गया। यानी कि दोस्तों, Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर हमें 13 MP की सेल्फी मिलती है, जो वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर दी गई है। यानी कि दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन पर हमें बेहतरीन कैमरे मिलते हैं, बट दोस्तों प्राइमरी कैमरा 48 MP का हमें Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर देखने को मिलता है। वो मैक्रो सेंसर भी हमें Redmi Note 8 स्मार्टफोन पर मिलेगा, ना कि Vivo U20 स्मार्टफोन पर। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं मोबाइल फोन की बैटरी की। तो ऐसे में दोस्तों, Vivo U20 स्मार्टफोन पर हमें 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है, जो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आएगी, जहां दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। वहां दोस्तों, अगर Redmi Note 8 स्मार्टफोन की बात करें तो दोस्तों मोबाइल फोन पर हमें 4000 mAh की एक बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों मोबाइल फोन पर 18 वाट की फास्ट चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट भी हमें देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन पर हमें एक अच्छा पावर बैकअप मिलता है, बट दोस्तों Vivo U20 पर हमें एक अच्छा पावर बैकअप मिलेगा कंपेयर टू Redmi Note 8 स्मार्टफोन। और दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन के रियर साइड पर हमें फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा। दोनों मोबाइल फोन पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 9 पाई और खुद की कस्टम UI का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। अगर दोस्तों प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों, Vivo U20 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 10,990 रुपये है और Redmi Note 8 स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपये है। यानी कि दोस्तों, दोनों मोबाइल फोन के प्राइस में करीब हमें 1,000 रुपये का अंतर मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि इन दोनों स्मार्टफोन में से आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा। अगर दोस्तों आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन लेना है तो आप Vivo U20 स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं, अन्यथा दोस्तों Redmi Note 8 स्मार्टफोन 9,999 रुपये के प्राइस में आपके लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन साबित हो सकता है। तो अगर दोस्तों आपकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन को जरूर दबाएं।